So लास्ट में हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 6, राइट? नाउ विल स्टार्ट विद द 7 वन. नंबर 7 इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन आर रेज टू एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन. तो क्या करना है हमें यहाँ पे, टेस्ट दी कन्वर्जेंस करना है, मतलब इसका एसएन फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. कि जो मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि ए इसका जो इनफाइनाइट सम है उसकी प्रूफ अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे. तभी मैंने बोला था कि एक एग्जाम्पल है ऐसा, वहां पे हम लेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे ए नहीं है, लेकिन ए इक्वल्स टू 1 ले ले तो अगर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन. अगर इस इक्वेशन के अंदर ए इक्वल्स टू 1 रख दे तो हमें ये मिलेगी, राइट? ये सीरीज के अंदर. तो इसी के लिए हम प्रूव करते हैं. तो क्या हो जाएगा, इफ वी हैव आर इन बिटवीन माइनस 1 to 1, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं माइनस 1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1, जो क्वेश्चन में शायद से दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम ले लेंगे कि आर इज इन बिटवीन माइनस 1 to 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएन, इसके लिए अगर एन टर्म्स का हम सम ले ले तो एसएन क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर जो है वो माइनस 1 से 1 के बीच में है तो वो लेस देन 1 होगा. तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट? नाउ what we have is when r is a proper fraction, तो a is equals to 1 है तो ये हो जाएगा 1 minus r raised to n upon 1 minus r, okay? Where r is a proper fraction and the numerical value of r raised to n and consequently decreases as n decreasing, okay? r क्या है, less than 1 है. तो यहाँ पे देखो, suppose यहाँ पे ये minus 1 और 1 है, इसके बीच में आर की कोई भी वैल्यू है तो माइनस 1 से 1 के बीच में क्या होगा, 0.1, 0.2, ऐसा कुछ ऐसे सारे होंगे, 0.5 या 0.8. ओके, इसकी पावर अगर एन जो है वो बढ़ती गई तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, समझ रहे हो आप लोग? अगर 1/10 है हमारे पास, विच इज 0.1, ओके, 1/10 की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 0.1. बट अगर 1/10 की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01. 1/10 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1/1000 विच इज इक्वल टू 0.001. ओके, तो देखो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, राइट? तो आर की पावर मतलब एन जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी पावर, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो होती जाएगी, करेक्ट? अब अगर ये जीरो हो रहा है, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.00000, बहुत सारे जीरो और उसके बाद 1 होगा. ओके, सपोज मेरे पास 1/10 टू द पावर 1 लाख है. ओके, अगर 1 लाख है तो कितने जीरो आएंगे उसके बाद 1 होगा. ओके, तो क्या उसकी वैल्यू काउंट होगी, वो कहीं पे काउंट होने लायक रहेगा? जी नहीं. ओके, तो ये नियरली मतलब ये जीरो ही होगा ऑलमोस्ट. तो वही हम बोल रहे हैं, r मतलब कुछ भी है, ये तो सिर्फ मैंने 1/10 लिया, अगर 1/5 लिया तो भी क्या हो जाएगा, 1/25, फिर उसके बाद 1/125, तो ऐसे ऐसे पावर बढ़ती ही जाएगी और वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, राइट? तो जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे ये जीरो हो जाएगा. ओके, तो विच इज इक्वल टू, सो फ्रॉम वेयर
एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, को एक इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर आर रेस टू एन क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, राइट? तो आर रेस टू एन विल बी जीरो, तो वन माइनस आर रेस टू एन विच इज इक्वल टू वन हो जाएगा. तो हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस आर. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट एस एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस आर ओनली. ओके, जैसे अगर हमारे पास ए, अगर ए की कोई भी वैल्यू होती तो क्या होता हमारे पास, ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन. तो यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाइड होगा ना, लेकिन ए ए इंटू आर रेस टू एन वो तो नियरली जीरो ही होने वाला है, तो ये तो फिर से ए ए हो जाता. तो हमारा आंसर क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर. ओके, तो सेम वही चीज जो है हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है. तो हमें एस एन मिल गया वन अपॉन वन माइनस आर. ओके, अब इसका जो कन्वर्जेंस है वो हमें चेक करना है. ओके, तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे लिया है कि माइनस वन इज लेस देन आर इज लेस देन वन है. तो माइनस वन से वन के बीच में होगा तो हमारा एस एन ये होगा. बट वॉट अबाउट आर इज ये क्या होगा, लेस देन माइनस वन एंड आर इज ग्रेटर देन वन. अगर ये हुआ हमारे पास तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर. ग्रेटर देन माइनस वन है तो माइनस टू, माइनस टू की पावर एन अगर ले रहे हैं हम, तो माइनस टू की पावर एन क्या हो जाएगी, ओके, माइनस टू रेस टू वन इज माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर इज फोर, माइनस टू क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट. ओके, माइनस टू रेस टू फोर इज सिक्सटीन एंड सो ऑन. मतलब ये पावर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी ना, यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. ओके, सेम थिंग आर इज ग्रेटर देन वन है तो सेम यही सारे चेंजेस होने वाले हैं. तो यहाँ पे ये जो है वो कहाँ पे जाएगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब एन की जगह पे इन्फिनिटी रखो तो आर की पावर इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो एस एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा फॉर आर लेस देन वन और आर ग्रेटर देन वन. देखो माइनस टू की पावर इन्फिनिटी क्या होगा नहीं पता, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ज्यादा होने वाला है. और अगर टू रेस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो फिर से वही होगा, नियरली इन्फिनिटी. तो वेन एवर वी हैव एस एन फॉर एस एन, माइनस आर इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन, मतलब जीरो पॉइंट कहीं पे है या फिर माइनस जीरो पॉइंट कहीं पे है, तो हमारा जो एस एन है वो हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस आर. और वन अपॉन वन माइनस आर क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर, राइट? क्योंकि आर तो हमारे पास डिफाइंड है. अब एस एन जो है वो फाइनाइट नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर रेस टू एन जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब एस एन टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ओके, अगर ये ऑड टर्म है माइनस टू रेस टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी ऑड टर्म है तो ये माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है. तो वेन एवर वी हैव एस एन टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो एस एन क्या हो जाएगा, वेन एवर वी हैव आर इज लेस देन माइनस वन एंड आर इज ग्रेटर देन वन, तो हमारा एस एन जो है वो हो जाएगा डाइवर्जेंट. समझ में आया, कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं. ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, नंबर एट. What it is, the sum of the first two terms of a GP is 5 by 3. Okay, that means we have A plus AR is 5 by 3. We know that in GP first term is A and second term is AR. Now first two terms, sum of first two terms is A plus AR, so which is equals to 5 by 3 is given. After that we have said that and the sum to infinity of the series is 3. Okay, sum to infinity of the series is 3. मतलब हमें दिया हुआ है कि a upon 1 minus r, sum to infinity ये हो रहा है, a upon 1 minus r is equals to what, is 3. Then find the first term and the common ratio. तो हमें find क्या करना है, A and the R. ये दोनों हमें find करने हैं. तो कैसे find करेंगे? बोलो, any idea? चलो एक काम करो, हमारे पास ये equation है, equation number one, this is equation number two. इन दोनों का use करके हमें A और R find करना है. करो and tell me the answer. If you have two equations and you have to solve the two variables A and R, तो क्या होगा आंसर?
मैं यस आई इक्वल टू टू आर एस है आर इज इक्वल टू 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 हाँ ना अरे यार नेक्स्ट टू आर एस है आई इक्वल टू टू बाय थ्री टू बाय थ्री वन नहीं है वेट वन शॉल दे दो टू तो नहीं थी आंसर सोच रहे करने कोई नहीं R is equals to plus or minus 2 by 3 R. Bija, koi na aaya answer? Yes, Prince got that. R is equals to plus or minus 2 by 3. What about A? A is equals to 1 or A is equals to 5. Yes, correct. आ गया सबका? आंसर सिर्फ फ्रेंड से लिया है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। किस किस का नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है सिर्फ एक का ही नहीं आ रहा है। बाकी सब तो आंसर क्या सिर्फ ऐसे ही बैठे हो? ओके आयान का नहीं आ रहा है बाकी प्रीतेश व्हाट अबाउट भार्गव रौनक सिद्ध ध्रुविल देवांश So, see, first of all, we can rewrite equation number 1, which is A into 1 plus R is equals to 5 by 3. अब यहाँ पे A है, 1 plus R हम add कर सकते हैं, right? तो हम यहाँ equation number 2 को 1 plus R से multiply और divide करेंगे. So, what we have is A into 1 plus R upon 1 minus R into 1 plus R. ये multiply और divide किया तो कोई change नहीं होगा. तो second equation हमारी ये as it is रहेगी. Now we know that A into 1 plus R is equals to 5 by 3. So this implies that 5 by 3 divided by 1 minus R into 1 plus R is 1 minus R square which is equals to 3. Okay. So yeah, cross multiplication ho jayega. So this gives us 1 minus R square is equals to 5 by 9. And from this we can write that R square is equals to 1 minus 5 by 9. 9 minus 5 is 4 by 9. R square is equals to 4 by 9. So this gives us R is equals to plus or minus 2 by 3. Now for R is equals to plus 2 by 3 or R is equals to minus 2 by 3. Find the value of A by putting equation in equation number 1 or 2 anything. You can see maybe R ki value rakke A ki value find kar sakte. So we will get A is equals to 1. For R is equals to 2 by 3 and A is equals to 5
फॉर आर इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, या फिर उल्टा है, यस, वन फॉर टू बाई थ्री एंड फाइव फॉर माइनस टू बाई थ्री. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज नंबर 9. What it is? It's called, a person is entitled to receive an annual payment which for each year is less by 1/10 of what it was for the year before. If the first payment is rupees 800, so that he cannot receive more than rupees 8000 however long he may live. क्या है, एक पर्सन है, उसको एवरी ईयर एनुअल पेमेंट मिलती है. ओके, मतलब वहां पे फर्स्ट पेमेंट भी बोला गया है ए इज इक्वल्स टू 800. अब क्या है कि अब फर्स्ट ईयर में उसको 800 मिला, तो सेकेंड ईयर में उसको क्या मिलेगा, ए आर ही बोल देते हैं अभी, ए आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 800 माइनस 1/10 ऑफ 800. ओके, मतलब अगर हम ले रहे हैं कि फर्स्ट पेमेंट उसको ए मिली, तो सेकेंड पेमेंट क्या मिलेगी, ए माइनस 1/10 ए, ओके, विच इज इक्वल्स टू 9/10 ए. अब थर्ड पेमेंट उसको क्या मिलेगी, ए माइनस सॉरी 9/10 ए उसके पास अभी ऑलरेडी है, माइनस, अब इसके अंदर से क्या माइनस होगा, ये इसका 10th, मतलब 9/100 ए. ओके, अब क्या होगा, 9/100 ए है उसके पास, उसमें से कितना, उसमें से 10th जो है वो कम मिलेगा, विच इज 9/1000 ए, सॉरी 1/100 ए, यहाँ पे 1/1000 ए. समझ में आ रहा है, ऐसा हमने किया हुआ है पहले, सॉरी माय मिस्टेक, 9 ही होगा, फिर से लिख रही हूँ पूरा, कि हम डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, वन बाय वन पढ़ते हैं. क्या है, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एनुअल पेमेंट विच फॉर ईच ईयर. ओके, तो एनुअल पेमेंट सबसे पहले ए मिल रही है, विच फॉर ईच ईयर इज लेस बाय 1/10 ऑफ व्हाट इट वाज फॉर द ईयर बिफोर. मतलब एक ईयर बिफोर, यहाँ पे सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर की है. ओके, अब सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, इससे 1/10 कम, लेस मिलेगा, मतलब ए माइनस 1/10 ए हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 9/10 ए. अब थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में क्या होगा, हम उसका अगले साल में कितनी मिली थी, 9/10 ए माइनस, उसमें से ये जो मिली थी उसकी 1/10 कम मिलेगी, मतलब 9/100 ए इसकी माइनस मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 होल स्क्वायर ए हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट टर्म में उसको कितनी मिलेगी, 9/10 होल स्क्वायर ए जो है वो तो उसके पास ऑलरेडी थी कम. ओके, अब 9 स्क्वायर इज 81 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 1000, इसकी 1/10 कम मिलेगी. ओके, तो इसके इक्वल्स टू हमें मिलेगा 9/10 होल क्यूब ए एंड सो ऑन. तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, देखो ए ए आर, मतलब सॉरी इसको हम लिखेंगे ए 9/10 ए 9/10 होल स्क्वायर ए 9/10 होल क्यूब ए एंड सो ऑन. तो हमारी इक्वेशन जो है, वो हमारी जो सीरीज है वो ये मिल गई हमें. अब ये सीरीज देखो क्या मिल रही है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास. ओके, तो आर इज इक्वल टू क्या है हमारा, 9/10. ओके, अब ए जो है वो हमें दिया गया है, ए इज इक्वल टू 800. तो हमें क्या दिखाना है अभी, कि ये इंसान जो है वो कितना भी जी ले, ओके, इनफाइनाइट टाइम तक अगर वो जी रहा है तो भी उसको मैक्सिमम जो उसको मिलेगा पेमेंट, टोटल पेमेंट, हाँ मैक्सिमम टोटल पेमेंट विल बी 8000 रुपीज ओनली. ये हमें प्रूव करना है. तो एसएन क्या होता है,
a upon 1 minus r, right? So a is 800 divided by 1 minus r is 9 by 10. तो इसको देखो क्या हो रहा है, ये 800 divided by 10 minus 9 is 1 by 10 which is equals to 8000. समझ में आया, कोई डाउट है? तो हमने जो प्रूव करना था वो कर दिया कि मैक्सिमम उसको जो है वो नेक्स्ट वन नंबर 10 विच सेज दैट द सम टू इंफिनिटी ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 4. ओके, सम टू इंफिनिटी ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 4, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r. आफ्टर दैट एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. ओके, ये इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, a AR square, AR cube and so on. Okay? Now sum of their squares, ये सारा sum है. ये हम addition ले लेते हैं and so on. तो इसका square क्या हो जाएगा? A square plus A square R square plus A square R raised to 4 plus A square R raised to 6 and so on. तो अब देखो यहाँ पे हमारी first term क्या हो गई? A square. Okay? और इसका ratio कितना हुआ? R square. लेकिन ये हो क्या रहा है? GP only. तो इसका जो सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर. ये हमें हमेशा याद रखना है कि अगर एक इनफाइनाइट जीपी है उसका सम हो रहा होता है a अपॉन 1 माइनस r, तो उसके स्क्वायर्स जो है उसका सम क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर. अब वो क्या है, देयर स्क्वायर्स इज 8. ओके, ये हमें 8 दिया हुआ है. Then find the first term and the common ratio. तो अब हमें first term and common ratio दोनों find करना है. तो we have that a upon 1 minus r is equals to 4 and second one is a square upon 1 minus r square is equals to 8. Now tell me the value of a and r. हमें यही find करना है. R is equals to 1 by 3 and A is equals to 8 by 3.
यस करेक्ट. बाकी सब सिर्फ एक का ही क्यों आंसर आ रहा है? ओके बाकी सबका आ गया ना. ठीक है चलो नेक्स्ट नंबर 11. ओके व्हिच इज एक्सप्रेस 0.4 डॉट in the form of an infinite series in GP, hence deduce that 0.444... raised to 1/2 is equals to 0.666 and so on. ओके अच्छा ये आपको पता है व्हाट इज 0.4 डॉट? यस और नो? नो. ओके सो बेसिकली इसको ना 0.4 डॉट या फिर 0.4 ऐसे बार अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब है ये जो 4 है वो रिपीट हो रहा है. दैट इज 0.44444 इनफिनिटी तक जा रहा है. ओके अगर जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है कि वही है जैसे कि हम करते हैं 10 डिवाइड बाय 3. 10 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? व्हाट इज 10 बाय 3? 3.33. ओके तो ये 3.3 के ऊपर अगर दोनों के ऊपर डॉट कर दे तो ये 3.33 रिपीट होता जाएगा. या फिर 3.3 डॉट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा है अप टू इनफिनिटी तो हम इसको ऊपर डॉट लिख सकते हैं या फिर वी कैन राइट दैट 3.3 बार. तो ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है इनफिनिटी तक, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तब हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं. ओके so now back to the question, what is that 0.4 in the form of an infinite series in GP, hence reduce that 0.4444 raised to 1/2 which is square root of this is equals to 0.666. so easy hai. ab hamare paas ye hai which is 0.444 and so on. isko hum rewrite kar sakte hai as in 0.4 plus 0.04 plus 0.004 प्लस 0.0004 एंड सो ऑन. ऐसे इसको हम लिख सकते हैं. अभी देखो इनफाइनाइट सीरीज हो गई, अब इसका जो रेशियो है वो भी कॉमन है. 0.04 डिवाइड बाय 0.4 क्या होगा? आर क्या मिल रहा है हमें? 0.1. आर इज इक्वल्स टू 0.1. देखो 0.1 मिल रहा है, डिवाइड करके देखो 0.04 डिवाइड बाय 0.4 तो हमारा जो आर होगा वो होगा 0.1. ए हमारा है, ए इज 0.4, ए हमें मिला 0.4 तो हमारा एस एन जो है वो क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर एस आर इज इन बिटवीन माइनस 1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1. आर माइनस 1 से 1 के बीच में है. ऊपर से ये जो सीरीज है वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, ए भी हमारे पास है तो एस एन इज ए अपॉन 1 माइनस आर. ए इज 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1. बोलो आंसर क्या आ रहा है? Yes, it's 4/9. Okay. Now what we want to show is 0.444 जो हमने find किया उसकी उसका square root. Okay. तो square root of 0.444 and so on is square root of 4/9 as we have found that 0.444 is equals to 4/9.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई 9 इज 2 बाय 3 एंड 2 बाय 3 0.666 एंड सो ऑन। ओके नेक्स्ट नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.423 और डॉट किसके ऊपर है, 2 और 3 के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है वो हो जाएगा 4 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। ओके मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ओके तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी चीज है, ये हो गया विच इज इक्वल्स टू 0.4 फर्स्ट हो जाएगा प्लस 0.023 प्लस 0.000, ये देखो तीन टर्म्स तक जीरो हो जाएगा, उसके बाद 2 3 क्योंकि हमें ये टर्म जो है वो वापस लानी है तो इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई 4, फिर फर्स्ट टर्म 4 आ गई तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, फिर सेकंड और थर्ड में हमने 2 3 ले लिया, फिर अब ये 1 2 3 थ्री टर्म्स तक आ गया है तो 1 2 3 ये टर्म्स हमने 0 लेनी है, उसके बाद वाली टर्म 2 3 प्लस 0. अब कितने टर्म्स आ गई, 5 टर्म्स आ गई, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स तक 0 और उसके बाद 23 प्लस एंड सो ऑन, तो ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके तो ये सम हो गया। अब देखो हमारा जो a है 0.4 है, लेकिन 0.023 डिवाइड बाय 0.4 जो है वो हमारा रेशियो कॉमन नहीं आ रहा है, हमारा a ये हो जाएगा, यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस a अपॉन 1 माइनस r। ओके तो a इज 0.023 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्या मिल रहा है बोलो यहाँ पे 1 अपॉन 100। चलो इसको सॉल्व कर दो, मैंने यहां तक तो लिख दिया, सॉल्व करके आंसर बोलो क्या आ रहा है। What's the answer? Okay, correct. पॉइंट में कैसे आ सकता है रौनक, यही तो इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। ये तो दिया हुआ है 0.423423423 ये तो हमारा क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट नंबर 13 13 में फर्स्ट वन इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। ओके मतलब एस एन इज इक्वल्स टू 15 एंड द सम ऑफ दैट स्क्वायर्स इज 45। ओके मतलब एस एन क्या था हमारा, ए अपॉन 1 माइनस आर इज 15। अब
ऑफ देयर स्क्वायर्स. स्क्वायर्स क्या होता है? ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर. अभी हमने आगे देख लिया कैसे होता है. ओके, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45. देन फाइंड द सीरीज. ओके, जैसा अभी फाइंड किया था, बोलो ए और आर क्या मिल रहा है. R is 2/3, A is 5. Okay. तो what will be the series? हमें क्या find करना है? Yes, correct. A is 5 and R is 2/3. हमें यहाँ पे A और R की value नहीं चाहिए. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि what will be the series? तो series क्या होगी? A, AR, AR square and so on. तो which is equals to 5. AR 5 into 2 by 3, which is 10 by 3. Now, 5 into 2 square, which is 4. 4 by 9. 5 into 4 by 9, which is 20 by 9. And so on. This will be the series. Okay, series dekhni hai, toh hum beech mein plus add karenge. Toh 5 plus 10 by 3 plus 20 by 9 and so on. हो गया फर्स्ट. नंबर टू इज इन एन इनफाइनाइट जीपी द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 6. मतलब फिर से ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 6, विच इज गिवन. एंड एवरी टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट. यहाँ पे कुछ अलग से लिखते हैं हम. मतलब कोई भी टर्म है वो 4 टाइम्स उसके बाद वाली टर्म के होगी. ओके, मतलब हमारी सपोज kth टर्म है विच इज ए आर रेज टू के माइनस 1. कोई kth टर्म है तो विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए आर रेज टू के डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. उसका जो सम होगा k टर्म्स का उसके 4 टाइम्स हो जाएगी ये टर्म. ओके, ऐसा हमें दिया हुआ है. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं ये सभी के लिए है. ओके, फॉर इन जनरल हमें ये दिया हुआ है कि ये हो रहा है. तो अब हम ले लेते हैं फॉर के इक्वल्स टू 1. ओके, के इक्वल्स टू 1 क्या होगा? ए आर रेज टू के माइनस 1 इज 1 माइनस 1 इज 0, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए R raised to 1 divided by 1 minus R. AA cancel ho jayega, right? Which implies that R raised to 0. R raised to 0 kya hota hai? 1, which is equals to 4. R raised to 1 is 4R divided by 1 minus R. Which implies that, ab dekho cross multiplication kar rahe hai, toh kya hoga? 1 minus R is equals to 4R. Which implies, ye R yahan pe chala jayega. Toh 5R is equals to 1. And from this we can write that R is equals to 1 by 5.
हमें r मिल गया, अब क्या दिया हुआ है a plus ar is equals to 6, so we can write that a into 1 plus r is equals to 6. Now we have the value of r, okay, so a into 1 plus 1 by 5 is equals to 6, so a 5 plus 1 is 6 by 5 is equals to 6. So from this, ye 6 6 cancel ho jayega. So what we have is a is equals to 5. So here we have the value of a and r, which is 1 by 5 and 5. Hame find kya karna tha? Okay, hame find kya karna hai? The GP, matlab geometric progression find karna hai, and its sum to infinity. Matlab hame ek to ye jo series hai wo bhi find karni hai. So therefore the GP is A plus AR plus AR square and so on. So A kya mila hame? 5. Ye ho jayega 5 plus A into R. R is 1 by 5 which is equals to 1 plus AR square is 5 into 1 upon 5 square plus 5 into 1 upon 5 cube and so on. This is our series. Okay, ये GP मिल गई. अब हमें find करना है SN sum to infinity which is A upon 1 minus R. A is 5 upon 1 minus R is 1 by 5 which is equals to 5 into 5 divided by 5 minus 1 which is 25 divided by 4. So this is our answer. Okay, next number 14. What it is? Find the sum of an infinite series 1 plus b r plus 1 plus b square r square plus and so on. Mention the restriction on R if any. Okay. अब यहाँ पे क्या करें? दिख रहा है कुछ? क्या कर सकते हैं? कोई guess कर पाएगा? बोलो क्या करेंगे? Multiply R both sides. Yes, correct. Okay, the first one is SN is equals to 1 plus B R times plus 1 plus b square r square and so on. तो second term क्या हो जाएगी हमारी r sn जो हम करते आए हैं पहले भी r से multiply करना है. तो अब ये 1 को r से multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा r plus 1 plus b को मतलब एक step छोड़ के ही करते हैं ये हमें याद होगी सारी procedure. तो 1 plus b उसको r से multiply करेंगे तो क्या होगा 1 plus b r square and so on. Last term जो है वो हमारी क्या होगी लास्ट टर्म हमारी होगी ए एन. फिर यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म यहाँ पे ये होगी ए एन माइनस वन प्लस आर टाइम्स क्योंकि आर ए एन माइनस वन यहाँ पे होगी आर ए एन. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस आर एस एन हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ये वन माइनस जीरो ये तो वन ही रहेगा प्लस अब ये वन मतलब आर प्लस बी आर माइनस आर तो ये क्या हो जाएगा बी आर प्लस ये वन प्लस बी आर स्क्वायर वन प्लस बी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे क्या होगा बी क्यूब आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएगा तो सिंपल सी टर्म एंड टर्म कौन सी होगी बी रेस टू एन आर रेस टू एन ये लास्ट टर्म यही होने वाली है ऑब्वियस चीज है. ओके तो प्लस आर टाइम्स ए एन
सॉरी माइनस आर टाइम्स ए एन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आर ए एन हो जाएगा. तो 1 माइनस आर टाइम्स एस एन इज इक्वल्स टू, अब ये हमारी एंड टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है यहां पे, क्योंकि हमने एंड टर्म्स तक लिया हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी रेस टू एन आर रेस टू एन इंटू 1, मतलब a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So 1 minus b into n. Minus, इसके बाद वाली जो टर्म होगी उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो what we get is कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 plus b square up to b raise to n. यही टर्म होगी ना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय r. यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, r raise to n minus 1 into r से हमने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा r raise to n. हमारी जो ये टर्म होगी लास्ट वो ये होने वाली है, यस और नो, समझ में आ रहा है, ये हमारी लास्ट टर्म होगी. यस मैम. तो अब इसके ऊपर भी हम ऐसे एन अप्लाई करेंगे. देखो ये इसका जो रेशियो है वो क्या है, बी रेशियो है. फर्स्ट टर्म ए है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस बी रेस टू एन अपॉन 1 माइनस बी इंटू आर रेस टू एन जो हमारे ये पास यहाँ पे होगा वो. तो अब क्या है, ये हमारा SN हो गया. तो इसको हम लिख सकते हैं which implies that SN is equals to क्या मिला, 1 minus b raised to n into r raised to n upon 1 minus b into 1 minus r. ये 1 minus r जो यहां से नीचे चला जाएगा, minus 1 minus b raised to n upon 1 minus b into 1 minus r. यहाँ पे था हमारे पास r raised to n. Okay? Now what we have is infinity, infinite terms है हमारे पास, so as n tends to infinity what we have is b raised to n into r raised to n जो ही यहाँ पे वो क्या हो जाएगा. Also ये जो r raised to n है वो tends to zero हो जाएगा. पावर इंफिनिटी है और आर जो है, बट यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, माइनस वन इज लेस देन आर इज लेस देन वन. ये आर जो है वो माइनस वन से वन के बीच में, देखो मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन में है कि आर के ऊपर अगर कोई कंडीशन है तो वो मेंशन करनी जरूरी है. ये जीरो कब होगा, वेन एवर भी है माइनस वन इज लेस देन आर इज लेस देन वन. तो ये जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब आर रेस टू एन जीरो है तो ये तो पूरी टर्म जीरो होने वाली है मल्टीप्लीकेशन में है, राइट. तो अब ये क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू वन, ये माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस बी इंटू वन माइनस आर. तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, वन अपॉन वन माइनस बी इंटू वन माइनस आर. तो ये जो है वो हमारा एस एन हो जाएगा. समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना. तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15. Fifteenth one is a ball is dropped from a height of 48 feet and it rebounds 2/3 of the height it falls. Okay, ये हमने पहले भी किया हुआ है. 48 feet के ऊपर से वो अगर हम ball drop करते हैं तो वो 2/3 तक वो height जो है वो rebound करेगा. Okay, तो plus क्या हो जाएगा, plus 2 into 2/3 into 48. Rebounds करने वाला है, मतलब नीचे जाएगा और फिर से ऊपर आएगा. तो ये 2 times ही AC का हमने लिखा, 2/3 times 2/3 height तक कर रहा है 48 की. तो वो ये हो गया. Plus अब next क्या होगा, if it continues to fall and rebound find
the total distance that the ball can travel before coming to rest. Okay, तो ये हो गया हमारा first. अब इसके बाद क्या हो जाएगा? Second one will be 2 into 2 by 3 square into 48 plus. Next क्या होगा? 2 into 2 by 3 cube into 48 plus and so on. इतना करता जाएगा कहाँ तक? Up to infinity. जब तक वो rest नहीं कर लेता, ball की जो है वो खत्म नहीं हो जाता bounce होना, तब तक हमें check करना है कि क्या होगा. तो ये हमारी सीरीज बनेगी, which is equals to, हम लिख सकते हैं 48 plus 2 times, ये हो जाएगा 2 by 3. 48 यहाँ पे भी ले जा सकते हैं बाहर. 2 times 48, 2 by 3 plus 2 by 3 square plus 2 by 3 cube and so on up to infinity. 48 into 1 plus 2 into 2 by 3, sorry, plus 2 by 3 square plus 2 by 3 cube and so on. सॉल्व करो और आंसर बोलो क्या आ रहा है. It's 240. Yes, correct. The answer is 240. Next one is arithmetic geometric series. Okay, AGP. Okay, arithmetic or geometric series. So we have discussed about it before also. Arithmetic and geometric both series are combined. ये series कौन सी होगी? तो हमें एक तो पता है AP arithmetic progression. Arithmetic series कौन सी होती है? A plus B plus A plus 2D plus A plus 3D plus and so on. ये जो series होती है वो arithmetic होती है. Right? अब ज्योमेट्रिक कौन सी होती है? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेस टू 4 एंड सो ऑन. ये जो सीरीज होती है वो ज्योमेट्रिक होती है. ओके, अब अगर इन दोनों सीरीज को हम एक साथ लिख दें मल्टीप्लाई करके, तो जो सीरीज बनती है वो होती है एजीपी. ओके, एज एग्जांपल इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया तो मुझे क्या सीरीज मिलेगी? A फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, देखो A प्लस सेकेंड टर्म क्या है? A प्लस B. ओके, A प्लस B सेकेंड टर्म है और यहाँ पे क्या है? AR है, तो ये हो जाएगा A प्लस B इंटू आर. प्लस यहाँ पे है A प्लस 2D और यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A
प्लस 3d यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज बनेगी हमारी ये हो जाएगा हमारी AGP, ओके, या फिर हम बोलेंगे अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये जो सीरीज होगी वो इनफाइनाइट टर्म्स तक होगी। यहाँ पे का सारे के सारे टर्म्स जो होंगे वो इनफाइनाइट तक होंगे। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, सेम मेथड, SN करना है, RSN करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ही इनका सम फाइंड करना है। बट स्टिल वी हैव वन थिंग, व्हिच इज इफ -1 is less than r is less than 1, मतलब r जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और we can say that modulus of r is less than 1, okay, and r raised to n minus 1 tends to 0 and r raised to n tends to 0 as n tends to infinity, क्या हमें पता है n tends to infinity होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। Okay, तो इसका जो सम है वो सम हमें क्या मिलेगा, SN is equals to A upon 1 minus R plus DR upon 1 minus R whole square। ये जो है वो इसका सम होगा फॉर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, अब ये सम आपको कहाँ पे यूज करना है, ये डायरेक्ट सम आप यूज करेंगे इन JEE जब भी MCQ questions होंगे। बाकी यहाँ पे तो हमें वही करना है, SN, RSN, फिर उनका subtraction और हमें ये जो value है वो find करनी है by taking limit n tends to infinity। So example number 1, so first example is find the sum to n terms and hence find the sum to infinity of the series, okay, तो उसके अंदर first one is 1 plus 2 into 1 by 3 plus 3 into 1 by 3 square plus 4 into 1 by 3 cube plus and so on, okay, ये हमारा first example है। तो सिंपल से दिख रहा है, ये देखो ये आर है 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जा रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज भी हो गई। तो ये क्या हो गई, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब AGP। तो इसका हमें सम फाइंड करना है। ओके, okay, तो सबसे पहले SN इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू nth टर्म क्या होगी, n into 1 upon 3 raised to n minus 1, ये हमारी nth टर्म हो जाएगी। अब SN क्या होगा, 1/3 SN, हमने मैंने पहले ही बोला था r के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक स्टेप छोड़ना भी है अभी। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज 1/3 प्लस 2 into 1/3 स्क्वायर प्लस 3 into 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या होगा एन माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू एन माइनस 1 प्लस एन अपॉन 3 रेस टू एन। ओके, इसको सब्ट्रैक करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus 1/3 SN इज इक्वल टू 1 minus 0 1, 2 minus 1 is 1, 1/3 प्लस 3 minus 2 is 1, सो वी हैव 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 raised to n minus 1 माइनस एन अपॉन 3 raised to n, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब ये 1 है, 1/3 है, 1/3 स्क्वायर है, 1/3 क्यूब है, अप टू 1/3 रेज़ टू n माइनस 1 है. तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमें पता है. सो विच गिव्स अस 2/3 sn इज इक्वल्स टू, बोलो क्या है a हमारे पास, a इज 1 इनटू 1 माइनस r रेज़ टू n व्हिच इज 1 माइनस 1/3 रेज टू n. देखो n टर्म से हमारे पास 1 से लेके 3 रेज टू n माइनस 1 तक, मतलब 3 रेज टू 0 से लेके 3 रेज टू n माइनस 1 तक n टर्म्स है हमारे पास. तो इसीलिए हम 3 रेज टू 1/3 रेज टू n लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 व्हिच इज 1 माइनस r. ओके, अब क्या बच गया, माइनस n अपॉन 3 रेज टू n. तो ये हो जाएगा माइनस n अपॉन 3 रेज टू n which implies 2/3 sn is equals to 1 minus 1/3 raised to n divided by 1 minus 1/3 is 2/3 minus n upon 3 raised to n. Okay. अब क्या होगा, sn is equals to 2/3 यहाँ पे ले जाते हैं 3/2 और ये 2/3 जो है वो ऊपर आ जाएगा 3/2, सॉरी ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू n माइनस 3/2 n अपॉन 3 रेज टू n, ये हो जाएगा हमारा sn. नाउ वी नो दैट दिस n tends to infinity, so as n tends to infinity, 1 upon 3 raised to n tends to 0, okay, 1 upon 3 raised to infinity is infinity and 1 upon infinity is 0, but this will become 0, also this will become 0, so our sn, sn is equals to what we have is 3/2 whole square into 1 minus 0 which is equals to 9/4. So this is our sn and it is 9/4. Okay. अब अगर हम इसमें भी रख के देखते हैं, okay, क्या था sn is equals to a. A क्या है हमारे पास, 1 ही है, देखो 1 upon 1 minus r क्या है 1/3 plus d क्या है, देखो 1 ही है difference, तो b is also 1 into r is 1/3 divided by 1 minus r whole square, 1 minus 1/3 whole square. Okay, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 2/3 plus 1/3 upon 4/9. ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 plus ये 3 are 9. So, ये हो जाएगा प्लस 3/4 विच इज 3 प्लस 6/4 एंड इट इज 9/4. हो गया आंसर सेम, समझ में आया, बोल बोल सर बोल. हाँ 1/3 sn हम क्या करते हैं, sn लेते हैं और r sn जो है उसको मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. अब हमारे पास अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों टर्म्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक टर्म्स कौन सी है जिसका डिफरेंस सेम है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जाएगी वो सारी अरिथमेटिक टर्म्स में आएगी, उसका डिफरेंस 1 है, यस और नो? Yes, और ज्योमेट्रिक में कौन सी आएगी, 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन. ओके, तो जिसका रेशियो 1/3 है तो हमें r से मल्टीप्लाई करना है, तो r क्या होगा 1/3 एज 1/3 डिवाइड बाय 1 इज 1/3, 1/3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3 इज 1/3, तो हमारा जो sn r है वो 1/3 होगा. अब 1/3 से पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं sn को, मतलब ये जो sn है उसको हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया,
तो 1 को सबसे पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 1/3 क्यूब हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ओके, अब लास्ट टर्म यहाँ पे है n इंटू 3^(n-1), तो इसके आगे वाली टर्म कौन सी होगी, n-1 1/3^(n-2)। ओके, अब हमने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इंटू 1/3 हो जाएगा, तो n-2+1 ये क्या हो जाएगा n-1, आगे n-1 तो है ही, तो ये टर्म हो जाएगी n-1 1/3^(n-1)। ओके, प्लस इसको अगर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा n/3^(n)। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 1-1/3 Sn, ये 1-0 1, 2-1 इंटू 1/3, 1/3 कॉमन निकलेगा, 2-1 is 1, ये 1/3 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 3-2 will be 1, ये सारा माइनस है। ओके, तो एज हम चलते जाएंगे तो यहाँ पे ये n माइनस 1 वाली टर्म है तो ये क्या हो जाएगा 1/3^(n-1) माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन माइनस तो है, ये 0 माइनस हमें करना है तो ये हो जाएगा -n/3^(n)। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब Next one is number 2, which is 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus and so on, where modulus of x is less than 1. Okay, so Sn is equals to 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube and so on. अब देखो हमें ये तो दिख रहा है infinite term है, ये x, x square, x cube ये सब जो है वो geometric series में है और ये 1 plus 3 मतलब 3 minus 1 होगा 2, 5 minus 3 होगा 2, 7 minus 5 होगा 2, तो ये arithmetic progression में है with d is equals to 2. अब हम क्या करेंगे Rsn, R क्या है हमारा x, तो करेंगे x Sn which is equals to, अभी देखो एक step छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आएगा 3x square plus 5x cube and so on. यहाँ पे nth term तो कोई होगी तो ये क्या है 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे nth term क्या होगी 2n-1, पता है ना odd terms है, odd term मतलब 2n-1 x raised to n, यहाँ पे हमारे पास 2n-1 मतलब यहाँ पे ये हो जाएगी 2n-3 x raised to n-1 plus 2n-1 x raised to n, तो ये हो जाएगा हमारा x square 2n-1 x raised to n, 2n-3 x raised to n-1। ओके, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा x raised to n और यहाँ पे हो जाएगा x raised to n+1। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस x Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3-1 इज 2x प्लस 5-3 इज 2x स्क्वायर प्लस 7-5 इज 2x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, 2n-1 -2n+3 विच इज 2x रेज टू n माइनस 2n-1 x रेज टू n प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1-xSn इज इक्वल्स टू, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई राइट,
बट ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉमन अंदर होगा, x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू x रेस टू n, दिस विल बी अवर ज्योमेट्रिक सीरीज, माइनस 2n माइनस 1 x रेस टू n प्लस 1, which implies that 1 minus x sn is equals to 1 plus 2 into, अब ये जो n terms है geometric series में इसके लिए हमारे पास है, अब एक और चीज हमें दिया गया है कि modulus of x is in bit is less than 1, तो ये जो x है वो minus 1 से 1 के बीच में होगा, तो ये x x square x cube up to x raise to n है, उसके ऊपर apply करेंगे हम, x into 1 minus x raise to n divided by 1 minus x, okay, minus 2n minus 1 into x raise to n plus 1, ये है हमारा, okay, so this implies sn is equals to 1 upon 1 minus x plus 2x into 1 minus x raise to n upon 1 minus x whole square minus 2n minus 1 upon 1 minus x into x raised to n plus 1. Now, as n tends to infinity, okay, n tends to infinity jayega, so x raised to n and x raised to n plus 1 tends to 0 as x is in between minus 1 to 1, okay. So, which implies that Sn is equals to 1 upon 1 minus x plus 2x into ye 1 minus x raised to n, which is 1 minus 0, to ye ho jayega 1 divided by 1 minus x whole square. Aur ye jo term hai x raised to n plus 1 0 hone wali hai, to ye puri 0 ho jayega. So, this is our answer. Samajh mein aaya? Yes, next example. Number 3, find the sum to n terms to the series 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube and so on. यहाँ पे भी AP और GP दोनों हैं. Okay, तो देखो कैसे 1, 4, 7, 10 ये सारे किसमें है, एपी में है. 1, 1 by 5, 1 by 5 square, 1 by 5 cube ये सारे किसमें है, जीपी में. तो ये दोनों का इकट्ठा टर्म है, विच इज एजीपी. ये जो है हमें सीरीज दी हुई है वो, तो एसएन इज इक्वल्स टू 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube plus एंड सो ऑन. अच्छा एंथ टर्म कौन सा होगा, ये देखो क्या है, 1 है, ये है 4, ये 7, ये 10, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एन माइनस टू होगा, यस और नो? Yes, right, 3n minus 2 होगा, तो nth term will be 3n minus 2 divided by 5 raise to, क्या होगा, 0, 1, 2, 3 हो रहा है, तो मतलब 5 raise to n minus 1, this is our nth term. अब हम क्या करेंगे, r से multiply करेंगे sn को, तो 1 by 5 sn, एक term छोड़ के करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 5 plus 4 by 5 square प्लस 7 बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या आएगा, 3n माइनस 2, उसके आगे वाली टर्म 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू n, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे दिख रहा है या पीछे लिखो, सब पीछे लिख देती हूँ. क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय 5 एस एन विच इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 1 माइनस 0 इज 1 प्लस
वन बाय फाइव कॉमन, फोर माइनस वन इज थ्री बाय फाइव, प्लस वन बाय फाइव स्क्वायर कॉमन, सेवन माइनस फोर इज थ्री बाय फाइव स्क्वायर, प्लस वन बाय फाइव क्यूब कॉमन, टेन माइनस सेवन इज थ्री, सो विच इज थ्री बाय फाइव क्यूब, प्लस अप टू कहां तक आएगा, थ्री बाय फाइव रेज टू एन माइनस वन, ओके, माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव रेज टू एन, ओके, सो विच इंप्लाइज वन माइनस वन बाय फाइव इज फाइव माइनस फोर इज वन, सॉरी फाइव माइनस वन इज फोर बाय फाइव एस एन विच इज इक्वल टू वन, प्लस थ्री कॉमन, अंदर क्या बचा, वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव स्क्वायर प्लस वन बाय फाइव क्यूब एंड सो ऑन, वन बाय फाइव रेज टू एन माइनस वन माइनस थ्री एन माइनस टू अपॉन फाइव रेज टू एन, विच इंप्लाइज दैट फोर बाय फाइव एस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, अब ये एंड टर्म्स है हमारे पास, ओके, ए इज 1 बाय 5, 1 माइनस 1 बाय 5 रेस टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और n बोलो, n माइनस 1 टर्म होगी क्योंकि यहाँ पे 5 रेस टू 1 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक जा रहा है, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय फाइव माइनस थ्री एन माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव रेज टू एन, विच इम्प्लाइज दैट फोर बाय फाइव एस एन इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाय फाइव इंटू वन माइनस वन बाय फाइव रेज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर बाय फाइव माइनस 3n minus 2 upon 5 raised to n, ये 5 5 cancel हो जाएगा, this will give us 3 by 4, okay, तो which implies that sn is equals to 5 by 4, ये 4 by 5 यहाँ पे चला जाएगा, अगर क्या बचा, 1 plus 3 by 4, 1 minus 1 by 5 raised to n minus 1, minus 3n minus 2, अपॉन फाइव रेज टू एन, नाउ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय फाइव रेज टू एन माइनस वन एंड वन बाय फाइव रेज टू एन टेंस टू जीरो, सो दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू फाइव बाय फोर इंटू वन प्लस थ्री बाय फोर इंटू वन, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, विच इज इक्वल टू फाइव बाय फोर प्लस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन, एंड द आंसर इज क्या हो जाएगा, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाय सिक्सटीन, हेंस दिस इज अवर आंसर, समझ में आया, ओके, तो अभी मोस्टली चैप्टर अभी हमारा खत्म हो गया है, इसके बाद जो है मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑन एपी एंड जीपी, ओके, इसमें ऑलमोस्ट सारे सम्स हमारे हो चुके हैं, तो ये सारे सम आपके होमवर्क में है, ऑल 22 क्वेश्चंस, मुझे कब तक सबमिट करोगे आप ये 22 क्वेश्चंस, आज फ्राइडे है, मंडे कर दोगे, ओके वेनसडे, और वेनसडे जो ही है हमारा बद्दा ना, हां तो वेनसडे हम इसोलेशनियस एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करिए, तुम्हारे मैंने सबमिट करवानी, ओके, और एज अ लेक्चर आटलो राखिए, नेक्स्ट अवे नेक्स्ट चैप्टर